हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी वोकैब का सेशन 84। सो चलिए शुरू करते हैं, आज के 10 वर्ड्स पढ़ लेते हैं। तो आज का पहला वर्ड है हमारा, व्हाट इज़ अ सिनोनिम ऑफ प्रिवेल। सो प्रिवेल होती है एक जीत, एक खुशी, ट्रम्प। टू ट्रम्प यानी कि कोई एक जीत, विक्ट्री। ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन है इसका डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हमारा किसी को हराना, बीट करना, टू बीट समबडी। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा हाल्ट। हाल्ट होता है किसी भी एक एक्टिविटी जो कर रहे हैं उसमें छोटा सा अंतराल यानी स्टॉप, अ शॉर्ट स्टॉप इन सम एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी जो कोई काम हो रहा है उसमें छोटा सा गैप लेना, एक स्टॉपेज लेना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इम्पीड। इम्पीड होता है मेरा टू मेक इट डिफिकल्ट टू मूव, यानी कि किसी को मूव कराने में ऐसा मतलब कुछ बाधा एमपी कर देना, रुकावटें डाल देना कि कोई मूव ना कर सके। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा ट्रम्प, ये होती है अचीविंग अ विक्ट्री, ये इसका सिनोनिम है, अचीविंग अ विक्ट्री। तो हमारा प्रिवेल का परफेक्ट मीनिंग क्या है, ट्रम्प, एक जीत। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रिस्टीन। सो प्रिस्टीन होती है कोई भी चीज़ जो प्योर होती है, ओरिजिनल होती है, अनस्पॉइल्ड होती है, यानी ओरिजिनल कोई चीज, ओरिजिनल, प्योर, अनस्पॉइल्ड। तो ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा वैक्यूअस। वैक्यूअस का मीनिंग है हमारा बुद्धि की कमी होना, showing a lack of intelligence, ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति में बुद्धि की कमी होना, showing a lack of intelligence। नेक्स्ट वर्ड है मेरा vitiate। vitiate हमने पढ़ा था, vitiate होता है किसी चीज के इफेक्ट को कम करना, to lessen the effect of something, किसी चीज के इफेक्ट को कम करना। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा अनस्पॉइल्ड। अनस्पॉइल्ड कैसा होगा मेरा, प्योर होगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इम्पर्सोनेट। इम्पर्सोनेट का मीनिंग होता है, ये होता है किसी की नकल करना, इमिटिएट और कॉपी, यानी कि नकल करना, ठीक है, ये है मेरा इम्पर्सनेट। तो यहाँ पर जहाँ पर आपने इमिटिएट और कॉपी लिखा था वहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर लीजिए, इसके सिनोनिम है इम्पर्सोनेट के। सो हमारा प्रिस्टीन का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, अनस्पॉइल्ड यानी प्योर। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो हमने सीन लगाया है एकदम प्योर है, यानी कि यहाँ पे जो ये रिवर है ये भी एकदम प्योर है, स्पॉइल्ड नहीं है, तो ये हमने पिक्चर लगाई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, व्हाट इज़ अ सिनोनिम ऑफ प्रोडिगल। सो प्रोडिगल का मीनिंग बताना है, प्रोडिगल होता है हमारा जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, फिजूल खर्ची करता है, तो वेस्टफुली एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, स्पेंडिंग टू मच मनी, ठीक है। सो हमारे ऑप्शंस है माइसर। माइसर होता है कंजूस, जो पैसा खर्च करते हुए क्या करता है, घबराता है, नहीं करना चाहता है, वन हु हेट्स टू स्पेंड मनी, यानी कि खर्चा करने से नफरत करता है, पैसे बचाता है, माइसर यानी कंजूस। नेक्स्ट वर्ड है मेरा प्लेन। प्लेन कैसा होता है, साधारण, ऑर्डिनरी, सिंपल एंड ऑर्डिनरी, सिंपल एंड ऑर्डिनरी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट कौन सा वर्ड हो गया, वही वर्ड हो गया जो ज्यादा खर्चा करता है, वन हु स्पेंड्स मोर मनी, वन
हु स्पेंड्स मनी, ठीक है। और लास्ट वर्ड क्या हो गया हमारा, प्रोबिटी। प्रोबिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो हमने पिक्चर भी ऐसी लगाई है, ये लड़की देखिए शॉपिंग कर कर आ रही है, नीड नहीं है फिर भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। तो हमारा प्रोडिगल का मीनिंग क्या है, एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, वन हु स्पेंड्स मोर मनी। मोर लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है वर्ड, इसका मीनिंग क्या है, एक्स्ट्रावेगेंट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ प्रोडिगियस। सो प्रोडिगियस का मीनिंग लगाना है। सो प्रोडिगियस होता है हमारा बहुत ज्यादा विशाल, कोई बड़ी चीज, ह्यूज, वेरी लार्ज, ह्यूज, वेरी लार्ज, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं पम्पकिन है, कितना बड़ा है पम्पकिन, ये बहुत ज्यादा लार्ज है। नॉर्मल शेप क्या, नॉर्मल साइज क्या होता है, छोटा सा होता है, इतना होता है, इससे ज्यादा, ये देखिए ये बहुत ज्यादा लार्ज है। तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, इसका टाइनी। टाइनी क्या है, स्मॉल। ये इसका क्या लग जाएगा, एंटोनिम लग जाएगा। जितने पॉसिबल हो सकते थे हम एंटोनिम भी लगा रहे हैं हमारे वर्ड्स में, आप देखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब भी क्या होता है, वेरी ह्यूज, यानी बहुत ज्यादा विशाल, वेरी ह्यूज। एनॉर्मस एक अच्छा वर्ड है, इसको याद रखिएगा, इसका मतलब होता है वेरी ह्यूज। नेक्स्ट वर्ड है मेरा माइरेट। माइरेट होता है किसी चीज की ज्यादा संख्या होना, अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, कोई चीज भारी मात्रा में होना, ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा, एक्रोनियम। एक्रोनियम क्या होता है, ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक्रोनियम होता है वर्ड्स, वर्ड्स फॉर्म्ड विद इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम, यानी कि किसी के नेम के जो इनिशियल लेटर्स होते हैं उससे मिलकर जो वर्ड बनता है वो होते हैं एक्रोनियम। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक्रोनियम क्या होगा, एमपी। मेरा नाम है पलक गर्ग, तो मेरा क्या होगा, पीजी। सो ये होते हैं एक्रोनियम, ठीक है। यानी कि किसी नाम से जो उसके इनिशियल लेटर्स होते हैं उनसे मिलकर जो वर्ड बनता है वो होता है मेरा एक्रोनियम। सो आप अपना अपना एक्रोनियम हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो हमारा प्रोटीगेस का मीनिंग क्या होता है, वेरी ह्यूज, यानी कि एनॉर्मस। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रोडिगी। सो प्रोडिगी का मीनिंग बताना है, प्रोडिगी होता है मेरा एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड चाइल्ड, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा होशियार बच्चा, ठीक है। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड चाइल्ड, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होशियार बच्चा। ऑप्शंस देखते हैं, पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा, जीनियस चाइल्ड, ये इसका मीनिंग लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरा नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है हेजी, मेनली क्लाउड्स के लिए, मतलब धुंध के लिए यूज किया जाता है। जब विंटर्स में क्या आ जाता है, फॉग आ जाता है, तो कैसा हो जाता है, एटमोसफियर हेजी हो जाता है, जिसमें हम देख नहीं सकते साफ। इसका एक हिंदी मीनिंग भी क्या होता है, अस्पर्श, यानी जो ईजी, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हेजी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा फैटुअस। फैटुअस हमने एफ में कवर किया था। फैटुअस का मीनिंग होता है हमारा सिली, मूर्ख। तो जितने भी वर्ड्स हैं सिली के, सिली, और हो गया मेरा इडियट, ये सारे वर्ड्स कैसे हो जाएंगे इसके एंटोनिम, सिनोनिम, इडियट हो गया, ठीक है। ये सारे वर्ड्स कैसे हो गए हमारे, फुलिश हो गया, ये सारे क्या हो गए, मूर्ख हो गए। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा, प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस होता है मेरा रिच। तो हमारा प्रोडिगी का परफेक्ट मीनिंग क्या है, जीनियस चाइल्ड, एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड चाइल्ड। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रोफेन। तो प्रोफेन का मतलब बताना है, प्रोफेन होता है जो जिसको, मतलब धर्म की निंदा करने वाला, जो भगवान पर और पूजनीय पवित्र चीजों पर बिलीव नहीं रखता है या फिर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सैक्रेड और होली थिंग्स, ठीक है, जो पवित्र पूजनीय चीज़ों की इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता है। जैसे कि हमारा पीके था मूवी में, पीके मूवी में आमिर खान तो कैसा था, मतलब विश्वास नहीं रखता था,
ऑप्शंस क्या है इसके? ब्लेस्फेमस, ये क्या होता है? इररिवरेंट, यानी कि जो विश्वास नहीं रखता, इररिवरेंट, पूजनीय और भगवान वगैरह में। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एपिटैप। एपिटैप का मतलब क्या होता है? एपिटैप एक वर्ड्स, ये भी क्या है हमारा? OWS में से है। वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव, जो ग्रेव पर वर्ड्स लिखे जाते हैं ना किसी के लिए, वो होते हैं हमारा एपिटैप। नेक्स्ट वर्ड है मेरा फ्लूक। फ्लूक होता है मेरा स्ट्रोक ऑफ गुड लक, स्ट्रोक ऑफ गुड लक, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा? रिलीजियस। रिलीजियस कौन होता है? जो बिलीव करता है, शोइंग और हैविंग बिलीव इन सेक्रेट और होली थिंग्स, शोइंग और हैविंग बिलीव इन सेक्रेट और होली थिंग्स, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम लग जाएगा। सो हमारा प्रोफेन का मीनिंग क्या है? ब्लेस्फेमस। नेक्स्ट वर्ड, सेवेंथ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रोफेस? सो प्रोफेस एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, आपको मजा आएगा। प्रोफेस का मतलब होता है हमारे अंदर जो फीलिंग है, जो भी कुछ है उसको एक्सप्रेस करना, हमारे भावों को व्यक्त करना किसी के सामने। सो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है एक लड़की को, तो ये वही होता है, यानी कि टू स्टेट, टू स्टेट, टू स्टेट ऑनेस्टली दैट यू हैव अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर बिलीफ और या फिर फीलिंग, ETC, ठीक है। यानी कि ऐसा ऑनेस्टली अपने भावों को व्यक्त करना, जो फीलिंग है, जो किसी चीज़ के लिए बिलीफ है वो बताना, तो ये है हमारा प्रोफेस। प्रोफेस में भी एक्सप्रेस आ रहा है, ऐसे याद रख सकते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। ऑप्शंस देखते हैं, स्करी। स्करी का मतलब होता है छोटे कदमों से ज़्यादा तेज चलना, मूव हरिडली विद शॉर्ट स्टेप्स, शॉर्ट स्टेप से छोटे कदमों से ज़्यादा जल्दी जल्दी चढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्सो। वर्सो होता है किसी भी खुली किताब का, ओपन बुक का लेफ्ट हैंड पेज, ये होता है लेफ्ट हैंड पेज ऑफ अ ओपन बुक, ऑफ एन ओपन बुक, ठीक है। यानी कि किसी भी खुली किताब का लेफ्ट हैंड पेज जो बोला जाएगा वो वर्सो बोला जाएगा। और राइट हैंड पेज को क्या बोलेंगे, ये आप हमें कमेंट कर बताएंगे, फाइंड आउट कर देख कर बताएंगे कि राइट हैंड पेज को क्या बोलते हैं, ठीक है। कमेंट कर ज़रूर बताना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है हमारा? डिक्लेयर करना, किसी को कोई चीज़ बताना। तो ये इसका सिनोनिम लग जाएगा, क्लोज मीनिंग लग जाएगा, क्योंकि इसमें भी हम कुछ बात ही बताते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एपिक्योर। एपिक्योर का मीनिंग होता है पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड, यानी कि जिस व्यक्ति को बहुत मतलब अच्छा मतलब डिलीशियस फूड का बहुत ज़्यादा शौक हो, खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो होता है हमारा एपिक्योर। सो प्रोफेस का मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? प्रोक्लेम, यानी डिक्लेयर करना, कुछ चीज़ घोषणा करना। नेक्स्ट वर्ड, एट्थ वर्ड हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रोफिशिएंट? तो प्रोफिशिएंट का मीनिंग बताना है। प्रोफिशिएंट क्या होता है? प्रोफिशिएंट में आप सुन सकते हैं एफिशिएंट आ रहा है, और एफिशिएंट क्या होता है? कुशल, और एफिशिएंसी होती है कुशलता किसी व्यक्ति की या किसी चीज़ की। तो प्रोफिशिएंट का मतलब भी हमारा क्या दे रहा है, इसको एफिशिएंट से याद रखिएगा, एफिशिएंट, और ये क्या होती है? कुशल, कोई कितना कुशल है, यानी कि स्किलफुल, स्किलफुल या फिर वेरी गुड एट समथिंग, किसी चीज़ में बहुत अच्छा, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है हमारा? ईव्सड्रॉपर। ईव्सड्रॉपर होता है मेरा जो कान लगाकर दूसरों की बातें सुनता है, वन हु विटनेसेस सीक्रेटली secretly to private
कॉन्वर्जेशन, किसी की प्राइवेट कॉन्वर्जेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, उसको कान लगाकर सुनना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा स्किलफुल। स्किलफुल क्या हो गया? हैविंग और शोइंग स्किल्स, यानी कि जिसमें कुशलता होगी, वो क्या हो गया? स्किलफुल। हैविंग और शोइंग स्किल्स। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इनैप्ट। इनैप्ट क्या होता है? इसका एंटोनिम है, इनैप्ट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग नो स्किल्स, जिसके अंदर कोई कुशलता नहीं है। हैविंग और शोइंग नो स्किल्स। लास्ट वर्ड है मेरा नोविस। नोविस होता है बिगनर, किसी चीज़ में जो पहली बार कोई काम करता है होता है बिगनर। ठीक है, तो हमारा प्रोफिशिएंट का मीनिंग क्या लग जाएगा? स्किलफुल लग जाएगा। रही बात एंटोनिम की, तो इनैप्ट लग जाएगा। ये सिनोनिम, ये एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रोफ्लिगेट? प्रोफ्लिगेट का मतलब बताना। तो प्रोफ्लिगेट का मतलब भी यही होता है जो बहुत ज़्यादा पैसों को खर्च करता है, वन हु स्पेंड्स मनी केयरलेसली, वन हु स्पेंड्स टू मच मनी, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। ठीक है, हमने एक वर्ड पहले भी पढ़ा है इसका, वो इसका सिनोनिम लग जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं पैसा उड़ा रहे हैं, और यहाँ पे कार्ड है और शॉपिंग बैग्स हैं, तो एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, खर्चीला, फिजूल खर्ची। ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है? थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी हमने पढ़ा था, थ्रिफ्टी वर्ड है जो अपने पैसों को समझदारी से केयरफुली खर्च करता है, वन हु स्पेंड्स मनी केयरफुली, जो केयरफुली पैसा को खर्च करता है। अब पैसों को केयरफुली ही खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायरनल। डायरनल मतलब होता है दिन का, दिन के वक्त, ऑफ द डे टाइम। नेक्स्ट वर्ड है मेरा स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट ये इसका सिनोनिम है। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब क्या होता है? जो पैसों को ऐसे खर्च करता है केयरलेसली, वन हु स्पेंड्स मनी केयरलेसली। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बेकार में पैसों को खर्च करता है। और लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब भी यही होता है जो केयरफुली मनी को खर्च करता है। तो इसका और इसका मीनिंग तो सेम हो गया, वन हु स्पेंड्स केयरफुली या फिर यूजिंग मनी केयरफुली। ठीक है, तो ये दोनों तो आपस में ही हट गए, एलिमिनेट हो गए, क्योंकि इसके एंटोनिम हो गए। डायरनल का मतलब ही अलग है, तो इसका मीनिंग लग जाएगा। ऐसे भी आपको पेपर में वर्ड्स और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिसमें दो तो एंटोनिम ही हो जाएंगे, और दोनों में से आपको, इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो आज का लास्ट वर्ड हमारा 10th वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रोफाउंड? सो प्रोफाउंड होता है हमारा डीप, किसी भी सेवरल सेंस में, किसी भी एक पर्टिकुलर सेंस में डीप यानी गहराई होता है, डीप इन सेवरल सेंस। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मैं डीप नॉलेज कह दूँ, बहुत ज़्यादा गहरी नॉलेज है किसी को, बोलते हैं ना जैसे यू हैव अ डीप नॉलेज, यू हैव डीप नॉलेज अबाउट दिस और दैट, तो यानी कि आपको बहुत ज़्यादा गहरी नॉलेज है इस पर्टिकुलर चीज़। तो ऑप्शंस देखते हैं, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट। सो फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक ईजी, किसी के लिए आसान बनाना। फैसिलिटेट में फैसिलिटी देख सकते हैं, हाँ फैसिलिटी किसी चीज़ की होती है तो वो चीज़ हमारे लिए क्या आसान हो जाती है। जैसे पहले हाथ से पंखा करते थे, लेकिन अब क्या लग गया है? कूलर, एसी लग गया है, फैन स्टार्ट हो गए थे, तो उससे क्या हो गया? फैसिलिटी मिल गई, तो हमारी लाइफ कैसी हो गई? ईजी, टू मेक ईजी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है मेरा, ये होता है, ये होता है रूड और नॉट रिस्पेक्टफुल, यानी कि जो बहुत ज़्यादा रूड हो और मतलब अपमानजनक कह सकते हैं, जो इज्जत नहीं करता है, नॉट रिस्पेक्टफुल। ठीक है, अपने अपने में। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डिप्रेव्ड। ये पढ़ाता हमने, होता है मॉरली बैड और एविल। ठीक है, पदभ्रष्टता, मॉरली बैड और एविल। और लास्ट वर्ड क्या है मेरा? डीप। ये इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। आई होप आपको ये समझ पाएंगे और आप हमारे साथ इनको पढ़ रहे होंगे। आइए इनका एक क्विक रिवीजन करते हैं। सो पहला वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम, मतलब पहला वर्ड है हमारा प्रिवेल। प्रिवेल का मीनिंग है हमारा ट्रिम्प यानी कि जीत। नेक्स्ट वर्ड है मेरा प्रिस्टीन, ये है अनस्पॉइल्ड, कोई भी ओरिजिनल या प्योर चीज़। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिगल, ये होता है एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, खर्चीला।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोडिगियस, ये होता है एनॉर्मस, वेरी ह्यूज, बहुत ज़्यादा विशाल. नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोडिगी, ये होता है जीनियस चाइल्ड एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड चाइल्ड. नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोफेन, ये होता है ब्लेसफेमस, ये जो धर्म निंदा करता है. नेक्स्ट वर्ड है प्रोफेस, ये होता है प्रोक्लेम, कुछ चीज़ को एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना. नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोफिशियंट, ये होता है स्किलफुल, कुशल. और नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा प्रोफ्लिगेट, ये होता है स्पेंड, यानी इसका और इसका मीनिंग सेम है, प्रोडिगियस और इसका, ये इसके सिनोनिम लग जाएंगे आपस में भी. और लास्ट वर्ड क्या था हमारा प्रोफाउंड, ये होता है डीप, किसी चीज़ की गहरी बात. सो हमारे आज के 10 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.